नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड बीजेपी ने बनाई पूरे एक महीने के कार्यक्रमों की श्रृंखला। झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में सरला बिरला स्कूल में दिन भर चली कार्य समिति की बैठक में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मीडिया कर्मियों को दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यक्रम बेमिसाल रहा है। इस मौके पर पार्टी द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला खड़ी की गई। बता दें, 9 वर्षों में देश को आर्थिक संकटों से उबार कर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। पार्टी द्वारा इस खुशी में 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा की जा रही है। पार्टी ने इसके जरिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में प्रचंड गर्मी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मंगलवार को मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि संताल में गोड्डा का अधिकतम 44 डिग्री रहा। वहीं रांची का भी पारा चढ़ा है। पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। राजधानी में अधिकतम तापमान 40.3 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम 42.2 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें, राज्य के पलामू प्रमंडल और चतरा कोडरमा आदि जिलों में गर्म लहर चल रही है। इससे इन इलाकों में धूप में निकलने पर तपिश और गर्म हवा चेहरे को झुलसा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान पलामू को छोड़कर शेष भाग में हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। झारखंड में 24 से 26 मई तक रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर 24 मई 2023 को झारखंड आ रही हैं। वे यहां 24 से 26 मई 2023 तक रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 24 मई की एयरफोर्स के विमान से सुबह 7 बजे नई दिल्ली से रवाना होंगी और सुबह 8:55 पर देवघर पहुँचेंगी। वहाँ 9:20 पर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद 10:20 तक वह देवघर सर्किट हाउस पहुंचेंगी। श्रीमती मुर्मू सुबह 10:50 पर देवघर से रांची के लिए रवाना होंगी। वहीं दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति का विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। बता दें, श्रीमती मुर्मू 12:20 पर बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और 12:30 बजे अल्बर्ट एका चौक स्थित अल्बर्ट एका की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे राजभवन पहुंचेंगे। बम निरोधक दस्ते के जवानों का 55 लाख का बीमा तय। राज्य में बम निरोधक दस्ते के जवानों पदाधिकारियों के लिए 55,25,000 रुपये का बीमा तय हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च से द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ झारखंड पुलिस का 1 साल के लिए करार हो गया। बता दें, दस्ते के 59 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रति सदस्य 2950 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया है। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है। नक्सल विरोधी अभियान के लिए बीमा पहले से ही लागू है। पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल एक्सवाइट के लिए योजना बनाई थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुँचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा। टेरर फंडिंग मामले में 15 लाख का इनामी कृष्ण हंसदा एनआईए की रिमांड पर। झारखंड में नक्सलियों को टेरर फंडिंग के मामले का अनुसंधान कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य कृष्णा दा उर्फ कृष्ण हंसदा उर्फ कृष्ण मांझी उर्फ अविनाश दा उर्फ आनंद को रिमांड पर ले लिया है। वह गिरिडीह जिले के पीराटांड थाना क्षेत्र के मंडल डीह मेधवा गाँव का रहने वाला है। एनआईए उससे अगली 20 मई तक पूछताछ करेगी। रिमांड पर पूछताछ के दौरान एनआईए उससे लेवी के तंत्र के अलावा उसके अन्य सहयोगियों तक के बारे में भी जानकारी लेगी। जेएसएससी ने डिप्लोमा स्तरीय 1562 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा स्तरीय 1562 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 1551 नियमित तथा 11 बैकलॉग पद सम्मिलित है। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। आयोग ने मंगलवार को इस परीक्षा से संबंधित सूचना जारी कर दी है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें कनीय अभियंता, मोटरयान निरीक्षण, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पद सम्मिलित है।
बता दें इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मई से 24 जून तक भरे जाएंगे। 26 जून तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 26 जून तक लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ी। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। बता दें राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन पत्र जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। बच्चे अब 25 मई 2023 तक एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकेंगे। इससे पहले दिनांक 2/5/23 से 15/5 तक नामांकन प्रपत्र जमा की तिथि निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद नामांकन प्रपत्र जमा करने की तिथि बढ़ाई गई है। बता दें 15 मई के बाद से नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी की जा रही है। यह स्क्रूटनी 26 और 27 मई तक की जाएगी। नामांकन के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 30 मई को होगा। वहीं 7 जून को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के अनुरूप एडमिशन का नामांकन किया जाएगा। बता दें 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए राज्य भर से हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोगों की मांग के अनुरूप आवेदन देने की अंतिम तिथि को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बढ़ा दिया गया है। अमन की गिरफ्तारी बड़ी सफलता। डीजीपी कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह गदगद हैं। बता दें डीजीपी के अनुसार श्रीवास्तव गिरोह झारखंड के टॉप 10 संगठित आपराधिक गिरोहों में से एक है और इसके मुखिया का पकड़ा जाना बड़ी सफलता है। अमन श्रीवास्तव को मुंबई के वासी रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र ATS की सहायता से गिरफ्तार किया गया। जल्द ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर झारखंड ATS की टीम रांची पहुंचेगी। बता दें झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही ATS को साल की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड ATS ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड ATS पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रही थी। इसके लिए अमन के गैंग पर ATS लगातार प्रहार भी कर रही थी जिसमें सफलता मिली और आखिरकार ATS ने अमन श्रीवास्तव को शिकंजे में ले ही लिया है। राजभवन में मनाया गया सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। झारखंड राजभवन में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम के लोगों को गुलाब देकर स्वागत किया। बता दें राजभवन में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस मौके पर सिक्किम के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म और संप्रदाय के लोग सौहार्दपूर्ण रहते हैं जिनकी भाषा संस्कृति रीति रिवाज अलग अलग है फिर भी हम सभी एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी शक्ति और प्रगति की आधारशिला रही है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस खूबसूरत प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति जीवंत है और लोक कला समृद्ध है। सीएम हेमंत नई दिल्ली में झारखंड भवन का निरीक्षण कर दिखे नाराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान निर्माणाधीन झारखंड भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल डाइनिंग हॉल मुख्यमंत्री कक्ष गेस्ट रूम गवर्नर सुइट समेत अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने 15 दिनों में झारखंड भवन निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जाँच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। धन्यवाद।